बीमार होने के बाद इलाज से बेहतर ये है कि किसी मर्ज को हमला करने से पहले ही रोक दिया जाए, और इससे सादे से असूल का इतलाक हर बीमारी पर होता है। और जब मामला हार्ट अटैक का हो तो इसके ऊपर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। राज टीवी की वीडियो में खुश आमदीद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्या आपको मालूम है कि आपका जिस्म दिल के दौरे से एक माह कबल बल्कि इससे भी पहले खबरदार करना शुरू कर देता है? बस इन अलामात या निशानियों को समझने की ज़रूरत है, और इस हवाले से परेशान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेहत के हवाले से किसी को बताना नुकसान नहीं पहुंचाता। यहाँ ऐसी अलामात के बारे में जानें जो दिल में खराबियों की जानब कई हफ्ते पहले इशारा करने लगती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थकावट की। थकावट ऐसी अलामत है जो 70% हार्ट अटैक की शिकार खवातीन में कई हफ्ते पहले से सामने आई। गैर मामूली हद तक जिस्मानी थकावट हार्ट अटैक की अजानब से इशारा करती हैं, और मर्द और खवातीन दोनों में ये नज़र आ सकती हैं। अगर ये थकावट किसी जिस्मानी या जहनी सरगर्मी का नतीजा हो और दिन के अहतमाम पर इसमें इजाफा हो तो इस पर तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। नंबर दो, बात करते हैं पेट में दर्द। 50% हार्ट अटैक के वाकयात में ये अलामत कुछ अरसे पहले सामने आई। मेदे में दर्द, दिल मतलाना, पेट फूलने या मोशन वगैरह आम अलामत हैं। हार्ट अटैक से कबल पेट या मेदे में दर्द कुछ अजीब सा होता है, लेकिन कभी होता है और फिर आराम महसूस होने लगता है, मगर कुछ वक्त बाद फिर लौट आता है। नंबर तीन, बेख्वाब। ये अलामत मर्दों के मुकाबले में खवातीन में ज़्यादा नज़र आती है। वैसे तिबी माहिरीन इस अलामत को हार्ट अटैक या फालिज वगैरह के बढ़ते खतरे का अंदिया करार देते हैं। रात को नींद न आने के साथ शदीद नौयत की जहनी बेचैनी और गैर हाजिर दिमागी का सामना हो तो ये तशवीशनाक हो सकता है। नंबर चार, सांस घुटना। 40% केसेस में ये अलामत सामने आती है, यानी सांस लेने में मुश्किल और ये एहसास के गहरा सांस लेना मुमकिन नहीं। ये मर्दों और खवातीन के अंदर हार्ट अटैक से 6 माह कबल भी अक्सर सामने आती है। ये आम तौर पर एक इंतबाही अलामत होती है कि डॉक्टर से रुजू किया जाना चाहिए। नंबर पाँच, बाल गिरना। बालों का तेजी से गिरना भी इमराज कल्ब की एक वाज़ह अलामत है। आम तौर पर यह 50 साल से ज़ायद उम्र के मर्दों में ज़्यादा नज़र आती है, मगर कुछ खवातीन में भी ये सामने आती है। नंबर छः, दिल की धड़कन का तेज़ होना। दिल की धड़कन की बेतरतीबी अक्सर हार्ट अटैक के हमले का नतीजा बनती है, खास तौर पर खवातीन में ये अचानक हमला करती है। अगर दिल की धड़कन में तेज़ी 1 से 2 मिनट तक बरकरार रहे तो इसमें कमी ना आए। इसके अलावा धड़कन की रफ्तार में कमी बेशी से गशी और थकावट का महसूस होना इस बात की अलामत है कि डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा पसीना आना गैर मामूली या बहुत ज़्यादा पसीना आना भी हार्ट अटैक की एक इब्तदाई इंतवाही अलामत है, जो कि दिन या रात किसी भी वक्त सामने आ सकती है। यह अलामत आम तौर पर खवातीन में ज़्यादा सामने आती है, ताहम वो इसे नज़रअंदाज कर देती हैं। अगर इसके साथ फ्लू जैसी अलामत हों, जिल्द पर चिपचिपापन या खुशगवार मौसम के बावजूद पसीना आए तो ये खतरे की गारंटी हो सकती है। सीने में दर्द, मर्दों और खवातीन दोनों में सीने में दर्द मुख्तलिफ शिद्दत और तरीके से सामने आता है। मर्दों में ये अलामत इंतहाई अहम इब्तदाई अलामत में से एक है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, जबकि खवातीन के 30% वाकयात में ये सामने आती है। सीने में दर्द एक या दोनों हाथों में, अक्सर बाएं हाथ में निचले जबड़े में, गर्दन, कंधों या मेदे में शदीद नौयत की बेइत्मीनानी की शक्ल में फैल जाए तो फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।